ढाई पीढ़ी बाढ़ का बा के पास कार और बाइक में भिड़ंत में युवती की मौत होने के बाद आज युवती की शिनाख्त हो चुकी है। परिजन अस्पताल पहुंचे और पुलिस ने मृतक युवती का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक युवती के पिता ने बताया कि युवती अभिलाषा गुर्जर अलवर में राजस्थान पुलिस की तैयारी करने के लिए कोचिंग कर रही थी। वह गाँव बहादुरपुर से रोजाना अलवर आती थी। कल ढाई पीढ़ी स्थित अपनी सहेली से मिलने के लिए आई थी, तभी उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अकबरपुर थाना पुलिस ने सूचना दी कि अभिलाषा गुर्जर की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद जिला अस्पताल पहुंचे जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंप दिया और पुलिस ने एक कार को मौके से जब्त कर लिया। अभिलाषा क्या कर रही थी? वो कोचिंग कर रही थी, पुलिस की तैयारी कर रही थी। कहाँ पर? अपने आर्यभट्ट में। अच्छा, अलवरी रहती थी क्या? ना ना, घर से अप डाउन कर। अच्छा, तो फिर उधर कटी घाटी के लिए क्या कारण रहा उधर गई? जो वहाँ पहले मैं किराए से रहता था मकान लेके ना। अच्छा। तो वहाँ बच्ची थी वो मिलने वाली, उनके साथ में बुक वगैरह लेने के लिए गई थी उनके साथ। आपको क्या सूचना मिली? सूचना मेरे को 4 बजे मिली थी, क्योंकि मेरा फोन 3G है, बाद में पकड़ा नेटवर्क इसका। मैं भैंस चराने के लिए गया हुआ था। क्या सूचना मिली थी? बच्ची का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया ढाई सौ। अच्छा, तो पुलिस का फोन आया था? हाँ, पुलिस वाले का फोन आया था अकबरपुर से। उनने सिम डाली थी मेरी बेटी की, सिम निकाल के फोन से और वो अपने फोन में डाल के फिर फोन किया था। क्या नाम था बच्ची का? अभिलाषा। कितनी उम्र की? 19 साल। कहाँ की निवासी है ये? बहादुरपुर। तो ये अपने क्या बोलते हैं उधर की तरफ, किस कारण से कुछ बताया? मैं किराया कमरा लेके 10 साल अलवर में रहा हूँ, तो वहाँ मेरा रेजिडेंस था पहले। अच्छा, तो उनने मिलने गए? हाँ, मिलने। वहाँ तो ये खुद ही बाइक चला रही थी? अब ये तो पता नहीं, अब मैं तो था नहीं मौके पर, मेरे ऊपर तो खुद चला रही थी या कोई और चला रहा। कार से हुआ है? कोई पजेरो गाड़ी बता रहे हैं पुलिस वालों ने बताया जैसे। अच्छा, अमर सिंह मैम। गाँव से मूल